नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। जितने भी वैक्सीनेटर सहायक हैं, आप लोगों को मैं बता दूं कि देखिए, एक भाई वैक्सीनेटर ने जो है किस प्रकार से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है, आइए आपको सुनाते हैं पूरा कि इन्होंने लेटर में क्या लिखा है। इनका नाम है ठाकुर इंद्र विक्रम सिंह और इन्होंने जो है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को वैक्सीनेटर सहायकों की समस्याओं से अवगत कराया है। और दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इन्होंने जो है इस पत्र को जो है भेजा है, तो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं कि किस प्रकार से इन्होंने लिखा है। और ये 7:30 बजे के आज सुबह जो है ये लेटर लिखा गया और इसमें क्या मांगे की गई पूरी बातें जो है मैं बताऊँगा। लेकिन उससे पहले सभी वैक्सीनेटर सहायकों की तरफ से ठाकुर इंद्र विक्रम सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आगे आकर के जो है इस लेटर को लिखा, इस लेटर को जारी किया। चलिए इनके पूरा लेटर पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं और आप लोग भी ऐसे करिए, तभी आप लोगों को कुछ मिल पाएगा, क्योंकि सभी को जो है आगे आना होगा, तभी कुछ हो सकता है। दोस्तों, चलिए पहले इनके जो है लेटर को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है। देखिए, इन्होंने लिखा है कि सेवा में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि हम पशुपालन विभाग में वैक्सीनेटर एवं सहायक में काम करते 1 वर्ष हो गया है और जो कि अभी तक कोई मानदेय प्राप्त नहीं हुआ, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि 18,000 मानदेय लगाया जाए। आपका आज्ञाकारी समस्त वैक्सीनेटर सहायक ब्लॉक मदनापुर से हैं ये। तो इन्होंने जो है बहुत बढ़िया बात कही है कि अभी तक जिनको नहीं मिल पाया है, कम से कम उनको 18,000 रुपये देने चाहिए, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है और इससे कम में जो है वैक्सीनेटर सहायकों का कोई कार्य नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसको इसलिए भेजा ताकि आप लोग भी ऐसे लेटर जारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।